everyone, welcome back to Shape Up Your Life. Today I'm going to share my skin care routine. मैं कोई स्किन केयर एक्सपर्ट तो नहीं, बट स्किन की केयर करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ, बस उतना ही अगर हम करते रहें तो हम खुद को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सबकी स्किन टाइप अलग होती है, जैसे कि ऑयली, कॉम्बो, नॉर्मल एंड ड्राई. मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है, इसीलिए मुझे कभी पिंपल्स और स्कार्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस भी नहीं करना पड़ता. एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्किन केयर रूटीन. अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है. सस्ते से लेकर महंगे तक हम अपनी पहुंच के अकॉर्डिंगली सब कुछ बाय करते हैं, और किसी हद तक ये प्रोडक्ट्स हेल्पफुल भी होते हैं. बट आउटर क्लिंजिंग के साथ साथ इंटरनल क्लिंजिंग भी इम्पॉर्टेंट है. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं एंड डू इंक्लूड एटलीस्ट 1 glass लेमन वाटर एवरी डे, क्योंकि पानी आपकी बॉडी, आपकी स्किन से टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ग्लो आता है. अगर आपको कभी अपना कॉम्प्लेक्शन एवरेज से डार्क और स्किन डल लगे तो समझ जाएं कि आपका पानी इनटेक सही नहीं है. स्किन केयर के लिए फर्स्ट स्टेप अगर वाटर इनटेक है तो सेकंड स्टेप है क्लिंजिंग. बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन रहे. ख्याल रहे कि एक लंबे टाइम तक आपकी स्किन पे डस्ट या मेकअप नहीं होना चाहिए. इन दोनों रीजंस की वजह से ही हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड अवर स्किन इज नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली. अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए मैं डेली और वीकली कुछ स्टेप्स फॉलो करती हूँ, जिसमें सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग. उसके लिए नेवर यूज़ सोप. सोप हमारे फेस के लिए बहुत हार्श होता है. सो ऑलवेज वॉश योर फेस विद फेस वॉश. आपको जो भी फेस वॉश सूट करता हो आप वो ही यूज़ करें. मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कुछ लोग जानना चाहते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस गार्नियर फेस वॉश विद लेमन एसेंस. मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 times मैं अच्छे से अपना फेस वॉश करती हूँ. सुबह उठते ही फेस वॉश करने के बाद आई अप्लाई मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सीजन समर हो या विंटर, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत हमेशा रहती है. नहीं तो स्लोली स्लोली स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और ऐसी स्किन पे रिंकल्स बहुत जल्दी असर दिखाते हैं. एक तो मेरे पास बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर है, विच इज़ वेरी गुड, एंड दूसरा है जॉनसन्स बेबी लोशन. वो इसलिए क्योंकि अगर ये बेबीज़ की स्किन के लिए सेफ़ है तो आपकी स्किन के लिए भी ऑब्वियसली सेफ है. हेयर आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट. आप जो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर थिक क्रीम का यूज़ करें, क्योंकि ड्राई स्किन पे क्रीम ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है. अर्ली मॉर्निंग इतना रूटीन काफ़ी है. देन बिफोर टेकिंग बाथ आई सजेस्ट 2 minutes डेली फेशियल मसाज, बिकॉज ओनली 2 minutes कैन हेल्प प्रिवेंट रिंकल्स एंड रिलैक्स योर माइंड. मैं डेली ये 2 minutes खुद को देती ही हूँ. इसके लिए मैं ये स्किन नेचुरो पपाया मसाज क्रीम का यूज़ करती हूँ. क्रीम कोई भी हो ये उतना मैटर नहीं करता, बट मसाज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और मसल्स को रिलैक्स और टोन करता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर स्किन केयर रूटीन. इसके अलावा खुल के हंसना ना सिर्फ आपके फेशियल मसल्स के लिए अच्छा है, बल्कि ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स को भी डिक्रीज करता है. तो ज़माने को जो भी कहना है कहने दें, जब भी हंसें खुल के हंसें. After taking bath, I apply vitamin C serum on my face. ये सीरम आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को फेड करने के साथ साथ स्किन के सरफेस को स्मूथ और डलनेस को रिड्यूस करता है, साथ ही एजिंग साइंस को भी रिवर्स करता है. लेकिन ये सीरम मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, सो मैंने ये सीरम खुद ही बनाया है. इसके लिए आपको चाहिए 3 to 4 spoons rose water, 1 teaspoon आप इसमें ग्लिसरिन ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे कुछ विटामिन सी की टैबलेट्स. सेलिन नाम है इनका, ये विदाउट शुगर होती हैं, तो आपको ये 3 tablets यहाँ पे क्रश करके इसमें ऐड करनी है.
उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स को काट के उसका ऑयल निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपका सीरम बस रेडी हो गया। बाद आप इसको किसी क्लीन बॉटल में फिल कर लें, दैट्स इट। इस सीरम को अच्छे से फेस पे अप्लाई करने के बाद आई अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। मेरे पास लैक्मे और वीएलसीसी दोनों ब्रांड्स की सनस्क्रीन है, बट वीएलसीसी की सनस्क्रीन मैं ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि ये मैट में आती है और स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जॉब करती हैं तो इस स्टेप के बाद आप अपना डेली मेकअप कर सकती हैं। मैं डेली कोई मेकअप नहीं करती हूं। बस इतना करने के बाद लिप्स के लिए भी मैं वीएलसीसी का लिप बाम ही यूज करती हूं। बट अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं बीबी क्रीम, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम इज माय फेवरेट। ये बिना मेकअप के मेकअप जैसी फ्लॉलेस लुक देती है। दिन भर में हमारी स्किन पता नहीं क्या क्या झेलती है, सो रात को सोते समय स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट टाइम रूटीन में आफ्टर फेस वॉश विटामिन सी सीरम अप्लाई करती हूँ एंड देन आई अप्लाई नाइट क्रीम ऑफ बायोटिक। कभी कभी मैं अपने फेस पे कोकोनट ऑयल भी लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे भी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए तो कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपकी स्किन को शाइनिंग भी देता है। अपने हैंड आर्म्स और फीट को भी इग्नोर ना करें, बट लोशन की बजाय अपने पैरों पे मैं स्टिकी क्रीम लाइक निविया ही लगाती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं इसलिए मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स चूज़ एंड यूज़ करें और याद रखें जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं तो हमारी स्किन को उसे अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये तो थी मेरी डेली स्किन केयर रूटीन, लेकिन कुछ क्लीनिंग आपको वीकली बेसिस पे भी करनी चाहिए क्योंकि स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी स्किन की 5 लेयर्स होती हैं जिसका बेस होता है न्यू सेल्स। जैसे ही ये सेल्स ग्रो होते हैं तो ये हमारी आउटर लेयर तक आ जाते हैं जिसकी जगह नए सेल ले लेते हैं, लेकिन पुराने सेल्स हमारे सरफेस पे एक ऐसी लेयर बनाते हैं जो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देते, इवन कि मॉइस्चराइजर को भी नहीं। इट इज़ लाइक ब्लॉकेज ऑफ पोर्स, लेकिन एक्सफोलिएशन इन डेड सेल्स को गिराने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके लिए आप वीक में 2 से 3 बार किसी भी ब्रांड का स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही सॉफ्टली अपने फेस को रब करें। इसके अलावा वीक में एक बार या 10 डेज में एक बार मैं एक्सफोलिएट ब्रश का यूज़ करती हूँ और दादी माँ का पुराना नुस्खा बेसन उपटन हर एक्सफोलिएटर से भी ऊपर है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बेसन, साथ ही इसमें ऐड करेंगे कर्ड, टर्मरिक पाउडर, चंदन का पाउडर और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा लेमन का जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और सूखने देंगे। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको रब करके निकालेंगे। इससे डेड सेल्स तो निकल ही जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर देगा। तो जब भी मेरी मदर इन लॉ इस उपटन को बनाती हैं तो घर में हम सब इसको लगाते हैं क्योंकि ये बेस्ट से भी बेस्ट है। हम अपने स्किन केयर के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी किचन में ही ऐसे बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो इफ़ेक्टिव भी हैं और केमिकल फ्री भी। कुछ नहीं तो कर्ड में हनी मिला के लगा सकते हैं या कि बनाना में हनी मैश करके एक मास्क बना के लगा सकते हैं। लेमन वाटर पी लीजिए, लेकिन इसके पील्स को फेंके नहीं, इसे ऐसे ही फेस पे रब कर लें। इट्स अ गुड रिमूवर फॉर ब्लैक हेड्स एंड फेस के डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करता है एंड हेल्पफुल टू डी टैन द स्किन।
किचन में पड़े हुए लगभग सारे ही फ्रूट्स को खाने के अलावा हम उन्हें फेस मास्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन ग्लो में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दीज आर द नेचुरल थिंग्स विच इफेक्ट्स रियली गुड मोर देन केमिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट्स को स्टोर करना और कैरी करना काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए हम इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब भी टाइम मिले या स्पेशली टाइम निकाल के यूज़ दीज होम रेमेडीज़ फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Till then, bye, take care and stay healthy.